बोलो, थोड़ी कहना था गाइस हम घूमने जा रहे हैं, ऐसा बोलना है। पर कहाँ? वो आपको वहीं जाके बताएंगे, ठीक है? आपके शूज कहाँ हैं? फिर जल्दी पहनो, चलो तभी तो जाएंगे। खो गए? हमारे शूज दिखने मैंने तो पहन लिए, आपके कहाँ हैं? नहीं, मुझे दिख भी नहीं, मैंने अंदर भी देखा तो भी नहीं चलो फिर दिखे। नंगे पैर चलो, कुछ मत पहनो, चलेगा? नहीं चलेगा? चलो फिर ढूंढो, बोलो। हाँ गुड, चलो आ जाओ। आज मैं फिर से उसी जगह पे आ गई जहाँ पे कुछ दिन पहले दादा के साथ आई थी वाटरफॉल देखने। आज मेरे साथ आया पुणे से दीपक दा, भाभी, और चंडीगढ़ से राजा दा, और मेरी छोटी भतीजी नन्ना तनिशी। बस अब यहाँ से हम चलते हैं। धीरे से आना, धीरे से। दीपक दा का कहना है ये पॉटी वाला इलाका है। जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग यहाँ पॉटी करने आते थे। एक्सप्लोर, ओ ट्रैकिंग वगैरह के लिए बढ़िया जगह है ये। बस पहुंच गए। कोई चीज पता चल जाती है ना लोगों को, गंदगी करने आ जाते हैं। उस दिन इतना गंदा नहीं था इधर, अभी ऐसा कर दिया है, ये इतना गंद फैला के रखी है। बाप रे, फाइनली पहुंच गए। जाना मत जाना, चलो बुआ को देखो, बुआ फोटो बना रही है, वीडियो बना रही है, देखो छोड़ो, हाँ छोड़ो, बुआ को देखो। ये फिसले की गई यहाँ पत्थरों में, पीछे से ध्यान देना। नाना अपनी बस घूम लिया है, फोटोज ले ली, अब वापस। इस रास्ते में थोड़ा खतरा, राजा दा खतरों के खिलाड़ी भी तनिशी। छोड़ दो, अब चले जाएगी। आपकी जूती स्लिप तो नहीं होती? नहीं। चलो फिर स्लिप तो नहीं होती, आराम आराम से, आराम। बस 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 ये सब, हम आ गए अपनी कॉलेज की फेवरेट जगह पे। कॉलेज के दिनों पे हम यही बंक मार के आते थे, दीपुदा मैगी पॉइंट। आज मैं इनको सारी जगह घुमाती हूँ जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ का मैगी और लेमन टी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे नदी किनारे। व्यू भी अच्छा है, बाकी टेस्ट भी अच्छा है। तनिशी आपको क्या खाना है? मैगी खानी है? लेमन टी नहीं पियोगे आप? क्यों? फ्रूटी। गाइस यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया, चाय, लेमन टी, थुप्पा और मैगी। नहीं, ये क्या है? ब्रेड ऑमलेट, भाभी का फेवरेट है। भाभी भैया को बोल रही है अपने अपने खाने से मोमोज ही हटा दो। ब्रेड ऑमलेट भी हम जहाँ खाते हैं ना, उसके आपने मोमोज में कुछ अलग सा कैसा? हाँ वही, मतलब वैसा नॉर्मल जैसा हम खाते हैं ना हम, अगर वैसा नहीं लगा तो ऑयल अच्छा नहीं, कुछ अलग ऑयल था उसमें, ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। भैया मेरी शक्ल भूल जाना अभी, अगली बार याद। क्या कह रहे हो भाभी, अब आपकी क्या फरमाइश है? कॉफी दिया गाइस इन्होंने, वो भैया को इतना परेशान कर दिया ना, ये तो आएंगे नहीं, मैं तो आते रहती हूँ, अगली बार से उनको मेरा चेहरा याद होगा। भैया भैया आप मेरी शक्ल भूल जाना, ठीक है? वही से आके लेना पड़ेगा ना, सेल्फ सर्विस है वो। ये तो ले आओ, नहीं नहीं ऐसे होता है, पैसे यहाँ से ले जाते तो नहीं देना चाहिए। वैसे पैसा हम काउंटर से ले। अच्छा, आपके लिए स्पेशल लिया है इधर। हमें नहीं पता था। अच्छा ऐसा है क्या, वहाँ पे करना पड़ता है? काउंटर पे करते हैं। गाइस यहाँ पे हमारी कार का गियर का कुछ दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे अब सुधरवा रहे हैं। मैंने नया स्टॉल स्टार्ट किया है यहाँ पे, मैंने नींबू मिर्ची भी लगा दी है। नींबू मिर्ची है, मेरे असिस्टेंट हैं दोनों,
एक बर्तन मिलेगा, एक पैसा जमा करेगा, और यहाँ पे आपको फ्रूटी भी मिल जाएगा, चॉकलेट भी मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। कल ही से हम उद्घाटन करेंगे इसका, आज हम स्टॉल देखने आए हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसकी लोकेशन भी यहीं पे ही है, तिकोनिया से थोड़ा नीचे है, आप आ जाइए मेरे स्टॉल पे, कल से लगने वाला है। और इसका नाम मैं बदल के शंकर मीट पुलाव से बीएससी पास गोलगप्पे वाली रखने वाली हूँ, यहाँ पे गोलगप्पे बनेंगे। आपकी कान में दर्द हो रहा है? हाँ, मेरे कान में बहुत दर्द है। जब आप इसको म्यूजिक ऐसे लगाओगे ना, ठीक है, वो इसका गाना चलते रहेगा। ओके, अगर आप म्यूजिक नहीं लगाओगे तो फिर वो खराब हो जाएगा कान, इसलिए आपको 7 days तक ये चलाना चाहिए, तभी ठीक होएगा। ठीक है, जब आप 10 minutes तक ऐसे चलाओगे ना, तभी आपके कान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपकी मम्मा की आवाज भी नहीं सुननी है ना, उससे भी कान में दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपकी मम्मा की आवाज भी नहीं सुननी है। और क्या परहेज है इसको कान में लगाने के अलावा? अगर आपके कान ठीक हो जाएगा मुझे दे देना। ठीक है, ये वापस कर दूंगी आपको मैं। अभी कितना चार्ज लोगे आप इसका? हाँ, 50 रुपए। ठीक है, ओके, दे दो। ठीक है, आपको 7 days बाद जब मेरे कान ठीक हो जाएंगे वो मैं रिटर्न कर दूंगी, फिर आप मेरे को 50 रुपये दोगे। ठीक है, डन हो गया। बस आप थोड़ा सा पेट में भी दर्द है, सर में दर्द है, तबीयत भी सही नहीं लगती, कुछ इलाज बताओ। देखो जिसका 7 days का इसका रस चुपोगे, हाँ, तभी वरना बुखार बढ़ते रहेगा। वैसे मैं आपको उसका क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे आप खाना नहीं खाते ना, हाँ, वैसे ही देखो जब आप खाना खाओगे ना, तब पेट में वो जम्स है उसको मार देगा। ओके, और जब आप चॉकलेट खाओगे वैसे उसका पेट को वह मारते नहीं रहेगा, वैसे ही वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट में रहता ही रहेगा। हाँ, तो मेरे को चॉकलेट नहीं खाने चाहिए आप ये बोल रहे हो? ठीक है, फिर घर का ही खाना खाऊंगी, चॉकलेट नहीं खाऊंगी आज से। बहुत दिनों से शादियों में खाना खाया है ना, तो पेट अजीब हो गया है, खाना पचा नहीं है, तो उसका कुछ नहीं है दवाई ववाई? इसी को चबाना है, इसको ऐसे चूस। ठीक है, 7 दिनों तक चूस के ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, कितनी होगी फीस? 10 रुपए बस? हाँ, 10। बड़ा 50? बड़े सस्ते डॉक्टर हो आप तो, बहुत कम फीस है आपकी तो। 50 रुपी, ये लो, थैंक यू, अब अगली बार आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।